और नदी पर पहुंची। धीरे धीरे जी ललकत जावे, धीरे धीरे जी ललकत जावे, धीरे धीरे जी ललकत जावे, धीरे धीरे जी ललकत जावे। जेठ को महीना जाए प्यास सतावे, आज जैसे ही चली जेठ का महीना है, प्यास सताने लगी और जैसे ही नदी में जल लेने के लिए पीने के लिए हाथ बढ़ाया, अंगूठी निकल गई उंगली से और उसे मछली निकल गई। अब जैसे ही राज में पहुंची वहां जाके महाराज दुष्यंत ने मना कर दिया, कौन है तू, मैं नहीं जा। बोले महाराज ये बेटा आपका है, मैं शकुंतला हूँ, मेनका मेरी माँ है और मेरा पालन पोषण कर्म ऋषि ने किया है। एक दिन आप शिकार खेलते खेलते मेरे आश्रम पर गए थे, आपने गंधर्व विवाह किया था मुझसे महाराज, और आज मुझे भूल गए। बहुत रोई बिलखती लेकिन राज से निकाल दिया, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन कुछ समय पश्चात जब आकाशवाणी हुई, जब ज्यादा बिलखी तो आकाशवाणी हुई, ए राजा दुष्यंत ये तेरी पत्नी है और तेरा ही बेटा है प्रेमचंद जो इसका था, वो नदिया में बह चुका है जिससे मछली निकल गई, वो तेरे ही राज्य में आ चुकी है। जब वो मछुआरे को बुलाया और मछली को काटा गया तो मछली उसके जो थी रिंग जो अंगूठी थी उसके अंदर निकली और उसे देख करके महाराज ने कहा हाँ यही मेरा प्रेमचंद है, अपना लिया। उन्हीं के महाराज पुत्र थे।